स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल मार का मेनू में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं सेवइयों की बर्फी, जो कि ज्यादा वक्त भी नहीं लगता और झटपट बन जाती है। तो चलिए बना लेते हैं सेवइयों की बर्फी। मैंने एक कढ़ाई ली है जिसमें मैं 2 चम्मच घी डालूंगी और घी गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ये बारीक वाली सेवई डालेंगे। मैंने ये बारीक सेवइयां ली है, अगर आपको नहीं मिले तो आप वर्मसीली जो आती है किसी भी किराना स्टोर पे, वैसे तो ये भी इजीली मिल जाएगी आपको। ये हम घी में थोड़ी देर के लिए रोस्ट करेंगे और ये पहले से भी रोस्टेड है तो हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसे रोस्ट करने की, पर हल्का सा रोस्ट करेंगे हम घी के अंदर ताकि इसमें एक अच्छा सा घी का फ्लेवर ऐड हो जाए। और हम इसे रोस्ट करते करते बीच में थोड़ा थोड़ा तोड़ भी लेंगे ताकि इसमें ज़्यादा बड़े पीसेस ना हो जो बर्फी बनाने में हमें दिक्कत आए। अब हमने सेवइयों को अच्छे से भून लिया है, अब हम इसमें 1 कप दूध डालेंगे। मैंने दूध में पहले से ही केसर भिगो के रखी थी तो ये डाल देंगे और इसी के साथ मैं इसमें 1 कप मिल्क पाउडर डालूंगी और इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि दूध पूरा रिड्यूस ना हो जाए और ये हमारे एक डो के जैसे इकट्ठा ना हो जाए। अब हम इसमें 1 चम्मच भर के कोकोनट पाउडर डालेंगे। कोकोनट पाउडर ऑप्शनल है लेकिन कोकोनट पाउडर डालने से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर ऐड होगा। और अब हम इसे पकाएंगे 2 मिनट के लिए और फिर हम इसमें चीनी डालेंगे। अभी सेवइयों ने दूध पूरा सोख लिया है, अब हम इसमें चीनी डालेंगे। मैं 1/2 कप चीनी डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अब जब तक चीनी पानी छोड़ेगी और हमें पूरा पानी सुखाना है और फिर से ये टाइट डो के जैसे तैयार हो जाएगा तब हम फ्लेम को बंद करेंगे। और मैं इसमें 1/4 चम्मच इलायची पाउडर भी डाल रही हूँ। अब हमारा मिश्रण एकदम रेडी है, इसने कढ़ाई भी छोड़ दी है और एकदम डो के जैसे तैयार है। अब हम इसे एक ग्रीस की हुई थाली में निकाल लेते हैं और फ्लेम को बंद कर देते हैं। मैंने एक थाली ली है और उसमें घी से ग्रीस कर लिया है। आपके पास जो भी बर्तन हो आप वो ले और घी से ग्रीस कर लें। अब हम मिश्रण को थाली में डाल लेते हैं और इसे इसी में फैला लेते हैं। मैंने इसे पाव भाजी मैशर से अच्छे से फैला लिया है और प्रेस कर लिया है और मैंने इसे मोटा मोटा ही रखा है ताकि जब हम इसकी बर्फी काटें तो ये इजीली निकल जाए। और मैं इस पर पिस्ता कतरन डाल रही हूँ, आप चाहे तो इसे बादाम से भी डेकोरेट कर सकते हैं। और इसे भी थोड़ा सा हल्के हाथ से हम प्रेस कर देंगे ताकि पिस्ता अच्छे से चिपक जाए और फिर हम इसे रेस्ट के लिए छोड़ेंगे। इतना रेस्ट कि एकदम ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तभी हम इसकी बर्फी काटेंगे। अब हमारी बर्फी ठंडी हो गई है, अब हम इसे पीसेस में काट लेते हैं। अब मैं आपको एक पीस दिखाती हूँ, ये देखिए और कितनी सॉफ्ट बनी है और एकदम परफेक्ट टेक्सचर आया है इसका। लीजिए, अब हमारे सेवइयों की बर्फी तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।